हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ वीडियो। तो आज हमारे सबसे पहले उर्दू या फिर हिंदी में वीडियो है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा रियलिस्टिक लैंडस्केप बनाने वाले हैं। तो चलिए ब्लेंडर में चलते हैं और बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम ये वाली वेबसाइट में जाएंगे जिसका नाम है textures.com, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ से हम टेक्स्चर्स फ्री ले सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर चार से पाँच टेक्स्चर हैं जो सब फ्री हैं, 4K टेक्स्चर हैं। डाउनलोड कर लें उनको और ब्लेंडर पे आ जाए। तो सबसे पहले मैं इस पर एक प्लेन ऐड करूँगा और इसके बाद स्केल करूँगा मैं इसे एस को क्लिक करके। तो नया मटेरियल ऐड करें और प्रिंसिपल BSDF को क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट टी को क्लिक करें। आप लोकेट करें कहाँ पर हम टेक्सचर रखें, पहले वाले टेक्सचर को क्लिक करके शिफ्ट को क्लिक करके लास्ट वाले टेक्सचर को क्लिक करें और प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप को। ब्लेंडर सेटिंग में जाओ और साइकिल को चूज़ करो और एक्सपेरिमेंटल। फिर उसके बाद अगर आपके पास GPU है तो आप GPU को क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा मॉडिफायर में, ऐड करूंगा सब डिवीजन सरफेस, फिर सिंपल, फिर अडेप्टिव सब डिवीजन, फिर मटेरियल टैब में जाओ प्लेन के, फिर नीचे जाओ और बम्प ओनली से डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प पे कर दो सेटिंग में। फिर शेयर व्यू में जाओ, आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉक हमारा प्लेन रॉक में टर्न हो गया। मैंने स्काई डैश शेयर ऐड कर दिया और आप देख सकते हैं काफ़ी लो क्वालिटी आ रही है इसका, एक ही हल है। अब हमने जाना टैब में, टैब को क्लिक करें और एडिट मोड में जाएं और यहाँ पर साइड में यू विंडो खोल लें और ए को प्रेस करके स्केल करें इसको ताकि हमारे टेक्स्चर जो सा लो क्वालिटी ना रहे। फिर हम वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेक्स्चर बहुत बुरा लग रहा है। फिर हम एक से दोबारा और स्केल कर लेते हैं, आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है और एक ही लाइन में जा रहा है। यहाँ पर इसका एक ही अल्लाह हमने ऐड करना नॉइज़ टेक्स्चर यहाँ पर ऐड करें। फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और राइट क्लिक करके ये जो हमारा सबसे लास्ट वाला टेक्स्चर है इसको ड्रैग करके हमारे नॉइज़ टेक्स्चर पे कर दो। एक्सपेंड करो मिक्स को और स्केल को 30 भी कर दो नॉइज़ टेक्स्चर की और डिटेल इंक्रीज करो और प्ले करो स्केल से डिस्प्लेसमेंट के। आप देख सकते हो हमारा टेक्स्चर बहुत अच्छा हो गया है। हम इसको बाद में चेंज करेंगे। अब हम ऐड करें कलर है यहाँ पर रफनेस में और इंक्रीज करो ब्लैक पोर्शन और वाइट पोर्शन और देखो कि जो सा आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर लो। इंक्रीज करो मेटालिक, ये हमें काफ़ी अच्छी लुक देगा। शिफ्ट ए, ऐड अ प्लेन, एक प्लेन ऐड करना ताकि हम इसमें पानी ऐड कर पाए और पानी बनाने का बहुत इजी तरीका। और एडजस्ट करें कहाँ पर आपने रखना अपना प्लेन, नया मटेरियल ऐड करें और डिक्रीज करें रफनेस, इंक्रीज करें ट्रांसमिशन और या अब हमने डिटेल ऐड करनी है, मस्कुलर टेक्सचर ऐड कर दो। फिर उसके बाद बम्प नोड ऐड कर दो और मस्कुलर टेक्सचर को उठाकर हाइट में लगाओ और नॉर्मल को उठाकर नॉर्मल में और इंक्रीज करो स्केल को 300 तक, जितना आप चाहते हो उतना कर लो। फिर डिटेल को इंक्रीज करो, देख सकते हैं हमारा पानी कितना अच्छा लग रहा। डिटेल इंक्रीज करो और डिक्रीज स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दो ताकि इतना ज़्यादा बम्पी ना हो। आप देख सकते हैं हमारा पानी काफ़ी अच्छा लग रहा है और डिटेल है। कैमरा ऐड करो और स्नैप कर दो यू पे कंट्रोल ऑल टाइम जीरो को क्लिक करके। फिर आप देख सकते हैं जब मैं दोबारा स्केल इंक्रीज करता हूँ इसका पूरा हमारा प्लेन है जो सा वो आगे पीछे होता है और मैं ये नहीं चाहता इसका एक ही हाल है। इंक्रीज करो फैक्टर को और डिक्रीज या फिर इंक्रीज करो स्केल को डिस्प्लेसमेंट में, एडजस्ट कर लो खुद ही और अपने हिसाब से खुद ही रख लो उसको किस तरह अपने अपने। और पानी के ऊपर लेकर आऊँगा मैं ताकि अच्छा व्यू आए। और अगर अब हम स्केल करें इसको हमारे प्लेन को तो देख लेते हैं अब सिर्फ डिटेल स्केल हो रही है ना आगे हमारा पूरा प्लेन। और आप इसको जितना वो स्केल कर सकते हैं, ज़्यादा मत करना वो बहुत बुरा दिखेगा। और वापस जाएं, सेव कर लें फाइल ताकि लूज़ ना करें और ये वेबसाइट में चल जाए अनस्प्लैश क्लाउड सर्च करें यहाँ पर और यहाँ पर जो सा आपको बेहतर लगता है क्लाउड वो डाउनलोड कर लें इसको। मुझे ये वाला पसंद आया, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा 4000x4000 और यहाँ पर आप मैं फोग ऐड करूँगा, क्यूब ऐड करें आप शिफ्ट करके और स्केल से शिफ्ट जी को क्लिक करके ताकि जी एक्सिस में ना स्केल हो। स्केल डाउन करें इसको और एडजस्ट करें कहाँ पर, न्यू मटेरियल ऐड करें और डिलीट करते हैं प्रिंसिपल BSDF
और ऐड करें वॉल्यूम, प्रिंसिपल वॉल्यूम, और वॉल्यूम को वॉल्यूम है, और डेंसिटी में 0.1 आप कुछ कुछ भी आ सकते हैं जो आपको पसंद आए। अब मैं कैमरा एडजस्ट करूँगा जहाँ पर मुझे बेहतर लगता है। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने स्काई रेक्शर ऐड किया, आप इस सेटिंग को कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर आप अपनी बनाना चाहते हैं अपनी खुद भी बना सकते हैं। अब मैं शिफ्ट टैब क्लिक करूँगा और इमेजेस एंड प्लेन लोकेट करें जहाँ पर आपने अपनी क्लाउड्स रखे हैं, फिर उसको क्लिक करके ऐड कर दें उसको, फिर स्केल करें उसको जहाँ पर आपने एडजस्ट करना वहाँ पर करें और आपको भी एडजस्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रास्ट हाई करूँगा यहाँ पर रेंडर सेटिंग में, फिर कैमरा में जाओ, कैमरा की सेटिंग एडजस्ट करो, फिर यहाँ फोकल लेंथ इसको डिक्रीज करो ताकि वाइड एंगल आए, और वाइड एंगल में भी यार हमारा सीन इतना अच्छा नहीं लगेगा। और मैं यहाँ पर रेजोल्यूशन रख लेता 3840x2160 4K रेजोल्यूशन है, और रेंडर सेटिंग में जाकर सैम्पल मैं 4960 रखूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने थोड़े से टाइम में इतना अच्छा और रियलिस्टिक रेंडर बना दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी हिंदी या फिर उर्दू में ट्यूटोरियल बनाऊँ तो कॉमेंट करो और लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो ऑब्वियसली, और पेट्रियन ज्वाइन कर लो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया अभी तो, और वहाँ पर सारी मेरी प्रोजेक्ट फाइल मिल सकती है आपको, और इन्जॉय करो प्रोजेक्ट फाइल्स अगर चाहिए तो, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।